विभाजन सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जानेंगे, ताकि जो आने वाला डेरिवेशन है उसको हम अच्छे से समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी इलेक्ट्रिक डायपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? अगर दो विपरीत आवेश ले लिए जाए, यानी कि एक ऐसा सिस्टम हम बनाए, एक ऐसा निकाय ले जिसमें दो विपरीत आवेश, अगर एक माइनस क्यों है और दूसरा क्या है प्लस क्यों है, अगर दो विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिए जाए, मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस कितनी है, अभी हमने ले लिया 2L, तो माना अगर हमने काम किया है कि दो पॉइंट ए बी है जिन पे हमने दो विपरीत आवेश ले लिए हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, और उनके बीच की दूरी कितनी है 2L है, तो वैद्युत द्विध्रुव को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे ऐसा निकाय जिसमें दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो, उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या डेफिनेशन होगी? ऐसा निकाय जिसमें दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो, उस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है उसे कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, इसकी परिभाषा क्या होगी? वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश ले लीजिए, इनके बीच की जो दूरी है उसका जो गुणनफल कर लीजिए, जो निकल के आएगा उसे कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं पी से, तो फॉर्मूला हुआ पी इक्वल टू क्यू इंटू 2L। क्लियर है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर है? अभी देखो यहाँ पर दो केसेस हैं। आखिर ये वैद्युत द्विध्रुव, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल बताइए क्या क्या होते हैं। तो जैसे वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल हो गया H2O हो गया, NH3 हो गया, तो ये वैद्युत द्विध्रुव के क्या है, एग्जाम्पल है। दूसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आखिर डिस्टेंस 2L क्यों ली गई है। यहाँ पर डिस्टेंस 2L इसलिए ली गई है क्योंकि इनके बीच की जो परमाणविक दूरी होती है वो बहुत ही क्या होती है, छोटी होती है, और अगर छोटी दूरी को दो भागों में बांट दिया जाएगा तो वो और छोटी हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए यहाँ पर दूरी कितनी ले ली गई है, 2L, ताकि जब इसको डिवाइड किया जाए तो वो L और L में डिवाइड हो और हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है? तो अभी हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, लेकिन किसके लिए, वैद्युत द्विध्रुव के लिए। यानी कि हमारे पास इस बार एक ऐसा सिस्टम रहेगा जिसमें दो विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होंगे और उनके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। अभी क्या है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के लिए, उसके दो केसेस बन सकते हैं। पहला जो केस बनता है उसे कहते हैं अक्षीय स्थिति, और दूसरा जो केस बनता है उसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में क्या होता है, इसे अक्षीय अनुदैर्ध्य भी कहते हैं और इसे अनुप्रस्थ भी कहते हैं। ठीक है? तो अच्छी स्थिति में क्या होगा कि दो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट की जाएगी, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी वो दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अक्ष पर ही होगी। लेकिन निरक्षीय स्थिति में क्या होगी, वो जो बिंदु होगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है
वह जो बिंदु है वह दोनों आवेशों के अक्ष पर स्थित नहीं होगा। यानी कि अच्छी स्थिति में ऐसा केस बनेगा कि अगर एक चार्ज यहाँ पर दूसरा चार्ज यहाँ पर है तो इनको ये मिलाने वाली रेखा जो है इसी की रेखा पर ही कहीं पर बिंदु क्या होगा पी होगा, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। चूंकि ये दोनों बिंदु जो आवेश है ये इसी अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, इसलिए इसे क्या कहते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर ये जो बिंदु पी है इस अक्ष पर ना होकर किसी दूसरी जगह पर चला जाए, माना यहाँ पर आ गया, तो देखिए इनको मिलाया तो हमने देखो इस अक्ष पर अभी बिंदु नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग अब अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डेरिवेशन करेंगे, इसका निगमन करेंगे। तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हमें फिगर जनरेट करना होगा, तो चलिए हम फिगर एक बना लेते हैं। तो हमने देखिए ए यहाँ पर माइनस क्यू का आवेश ले लिया, यहाँ पर प्लस क्यू का आवेश ले लिया, दोनों के बीच की दूरी हमने यहाँ पर 2L ले ली, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई है 2L हो गई है। और देखिए जैसे ही हमने दो विपरीत आवेश लिए जिनके बीच की दूरी 2L है, वैसे ही ये जो निकाय है वो निकाय वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसी अक्ष पर कुछ दूरी पर हमने एक बिंदु क्या ले लिया है P ले लिया है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। दूरी बीच कितनी है 2L है, तो अगर इनका मध्य बिंदु हम कितना ले लें O ले लें, तो ये जो दूरी होगी वो कितनी L रहेगी और ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी L हो जाएगी। यहां तक आपको क्लियर हो गया, जो मध्य बिंदु O है वहां से बिंदु P के बीच की दूरी को हमने कितना ले लिया है R ले लिया है। मध्य बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी को कितना ले लिया है R ले। अब जो माइनस क्यू आवेश है इसको हमने पॉइंट A लिख कर लिया है और प्लस क्यू आवेश को पॉइंट B लिख कर लिया है। अब देखिए A पॉइंट से इस P पॉइंट के बीच की दूरी को अगर आप देखिए तो O से यहाँ तक की L R है, यहाँ तक की L है, तो टोटल यहाँ से A से जो P के बीच की दूरी होगी वो R प्लस L हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि R यहाँ तक की L यहाँ तक की टोटल कितनी हो जाएगी R प्लस L। उसी तरीके से प्लस Q के लिए अगर आप दूरी लेंगे तो बनेगी R माइनस L। क्यों R माइनस L बनेगी, क्योंकि यहाँ तक R थी और ये दूरी एक्स्ट्रा थी तो हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया तो R माइनस L हो गया। क्लियर है, आई होप इतना आपको फिगर क्लियर हो गया होगा। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे वो भी देखिए, कहेंगे माना जो बिंदु A और B है वहां पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश रखे हैं जिनके बीच की दूरी 2L है और मध्य बिंदु कितना है O है। इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में ज्ञात करनी है। माइनस क्यू आवेश से पी के बीच की दूरी आई आर प्लस एल है, उसी प्रकार प्लस क्यू आवेश से पी के बीच की दूरी आर माइनस एल है। अभी क्या करेंगे, माना माना माइनस क्यू आवेश के लिए जो माइनस क्यू आवेश है इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इवन ले लीजिए और प्लस क्यू के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कितनी ले लीजिए E2 ले लीजिए। तो याद कीजिए जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने दिशाएं पढ़ी थी, अगर आपको वो लेक्चर फिर से पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस लेक्चर को सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए माइनस क्यू आवेश है तो इसके लिए जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो कहां पर जाएंगी, हमने पढ़ा था कि आवेश की तरफ आती है, तो इसका मतलब E1 कहां पर है ये इस तरफ आ जाएगा और E2 कहां चला जाएगा प्लस की वाली बाहर जाती है जिसको हम बाहर कर देंगे। क्लियर है, आप किसी को भी E1 E2 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग E1 यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों के लिए हमने ले ली, E1 के लिए माइनस क्यू और प्लस क्यू के लिए E2 ले लिया है। अब पूरी थ्योरी एक बार सुन लेते हैं फिर डेरिवेशन इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कहेंगे कि दो बिंदु A और B है जिन पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश रखे हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है 2L है, इनका मध्य बिंदु कितना है O है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में ज्ञात करनी है। A बिंदु से P के बीच की दूरी R प्लस L और B बिंदु से P के बीच की दूरी R माइनस L है। ठीक है,
तथा माइनस क्यू आवेश के लिए माना वैद्युत क्षेत्र कितनी होता है E1 और प्लस क्यू आवेश के लिए माना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E2 है। अब हम अलग अलग दोनों के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे E1 यानी देंगे माइनस क्यू आवेश के लिए, तो माइनस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कितनी मानी है E1 मानी है। तो E1 हो जाएगा 1/4πε0K × Q/ दूरी देखिए कितनी है R प्लस L है, तो कितना हो जाएगा R+L² ये समीकरण नंबर एक बन जाएगा। इसी प्रकार प्लस Q आवेश के लिए, आप निकाल लीजिए E2 = 1/4πε0K × Q/R − L² इक्वेशन 2। आर माइनस एल क्यों होगा, क्योंकि यहां से इसके बीच की दूरी कितनी है R − L है, तो हमने लिखा R − L² इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, इसलिए जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह इन दोनों का क्या होगी अंतर होगी। तो हम लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेगी, लिखेंगे E = अब E1 - E2 होगा या E2 - E1 होगा, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है दोनों एक्सप्रेशन को। तो आप इसको देखिए, यहाँ पर लिखा है R+L² यानी कि अगर इस डिनोमिनेटर को हम सॉल्व करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा आएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो भिन्न लिखी है जैसे 1/8 और 1/12, तो जिसका हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होती है, इसलिए E1 हमारा क्या होगा छोटा होगा, E2 हमारा क्या होगा बड़ा होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे E = E2 - E1, क्यों, क्योंकि E2 बड़ा है और E1 क्या है हमारा छोटा है। क्यों छोटा है, हमने यहाँ से देख लिया कि जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी हो जाएगी, जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी बड़ी होगी। तो चलिए अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं by 1 and 2। तो हमने लिख लिया है E = E2 - E1, तो वैल्यू पुट कर लीजिए तो E = हो जाएगा 1/4πε0K, E2 की वैल्यू कितनी है Q/R − L² माइनस लगा है माइनस लगा दीजिए, E1 की वैल्यू कितनी है 1/4πε0K × Q/R + L² क्लियर है। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 1/4πε0 के दोनों में कॉमन है, क्यू भी दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन है उसे बाहर निकाल लीजिए, यानी Q/4πε0 के कॉमन हो गया, बच क्या रहा है हमारे पास 1/R − L² माइनस 1/R + L² क्लियर है। अभी इसको देखेंगे E = Q/4πε0K × अब देखिए एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए इसको, इसको इस तरफ मल्टीपल के लिए आएगा R+L² माइनस R − L² R − L² × R+L² क्लियर है। हम लोग इसको इससे मल्टीपल, वन से क्रॉस मल्टीपल और इनको इससे मल्टीपल कर दिए हैं, तो हमारे पास ये निकल कर आ गया है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है A² - B² और हमें पता है कि A² - B² होता है A+B A − B, पता है। तो आप A+B A − B न्यूमरेटर में यानी अंश में लगा देंगे और डिनोमिनेटर में लिखा है A − B² A + B² इसे हम लिख सकते हैं। अगर संख्या लिखी है A² B² तो उसे हम AB² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो उसी के हिसाब से इसको भी अभी हम लिखते हैं। देखिए Q अपॉन
फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू, इसको सॉल्व कीजिए इस फॉर्मूले से तो क्या होगा, आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे आर प्लस एल माइनस आर प्लस कितना हो जाएगा एल, क्योंकि माइनस साइन लगेगा तो ये आर माइनस में और एल किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, अपॉन नीचे वाले को हम लिखेंगे आर माइनस एल और आर प्लस एल और इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है, इतना आपके दिमाग में आ गया। अभी देखिए, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है आर माइनस एल आर प्लस एल, तो ये है ए माइनस बी ए प्लस बी और ए माइनस बी ए प्लस बी क्या बन जाएगा हमारे पास फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ऊपर देखिए टू आर और टू एल बच रहा है तो टू आर इंटू टू एल अपॉन नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, ए माइनस बी ए प्लस बी से हो गया ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो हमारे पास e निकल के आया है q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू टू आर टू एल को इसके साथ आप ले लीजिए अपॉन का, देखिए कितना लिखा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं आर स्क्वायर के कंपैरिजन में जो एल स्क्वायर है वो छोटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने अभी बताया कि जो एल दूरी होती है वो बहुत ही क्या है, छोटी है। अगर एल दूरी छोटी है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में छोटा होने के कारण इसे छोड़ देंगे, लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर का पद छोड़ने पर, एल स्क्वायर का पद छोड़ने पर एल स्क्वायर छोड़ देंगे तो आपके पास आर स्क्वायर है उसका भी क्या रहेगा होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास क्यू इंटू टू एल अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू टू आर अपॉन आर की पावर कितनी फोर। अब आर और फोर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा आर क्यूब, तो इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए क्यू इंटू टू एल की भी बात कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ा है कि कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और उसे किससे प्रदर्शित किया था, हमने पी से प्रदर्शित किया था, तो यहाँ पर आप देखिए पी और टू है तो टू पी हो जाएगा अपॉन का फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के और यहाँ पर कितना बच रहा है आपका आर क्यू बच रहा है, इसको रियरेंज कीजिए तो इज इक्वल टू आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू टू पी अपॉन कितना हो जाएगा आर क्यू, तो ये आपके लिए निकल आया है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या निकला है इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू टू पी अपॉन कितना आ गया है आर क्यूब आ गया है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, लास्ट वाला लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको बताया गया था कि अगर ये जो हमारा माध्यम था अगर उस माध्यम को वायु या निर्वात में रखा गया होता तो वायु या निर्वात के लिए जो परावैद्युतांक है वो कितना होता है वन होता है, तो इज इक्वल टू आ गया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू पी अपॉन आर क्यूब, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो आप इस फॉर्मूले को देख लीजिए, इस डेरिवेशन को देख लीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और आपको जो नेक्स्ट वाला दूसरा इसका पार्ट है वो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।